जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं टाइम टू मेक इंडिया। आज आप लोगों को जो वीडियो सिखाया जाएगा ना, वो बहुत ही ज्यादा सेहतफुल और बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो मेरे भाई इंडियन आर्मी, आरपीएफ, वेस्ट बंगाल पुलिस जिसके भी तैयारी कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग इनको पूरा सहायता मिल जाएगा। क्योंकि आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लॉन्ग जंप के रिगार्डिंग। आपने ऑलरेडी थंबल देख करके पता चल गया होगा कि आज ये लॉन्ग जंप का टेक्निक दिखाया जाएगा, जो बेस्ट टिप्स, जो बेस्ट ट्रिक्स क्या होता है, वो बेस्ट ट्रेनिंग कौन सा होता है, बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा होता है, जो लॉन्ग जंप आपको बिल्कुल भी हेल्थफुल और सेहतमंद बना देगा। और लॉन्ग जंप से सबसे बढ़िया बात, जो मेरे भाई इंडियन आर्मी की ज्वाइनिंग की तैयारी नहीं भी कर रहे, जो डिफेंस में नहीं भी जाना चाहते फिर भी वो लॉन्ग जंप की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा आज का ये जो वीडियो है। उनका हाइट, उनका कमर की जो प्रॉब्लम, उनका नी का ये प्रॉब्लम, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग जंप ठीक से देना चाहते हो, आज का जो ट्रिक होगा वो होगा मिनिमम 14 से 15 फीट आपको मरना है, मिनिमम 14 फीट। ये जो हमारे पास आज के ट्रेनिंग का कुछ बच्चे आ जाएगा उसको लेकर के हम आपको बता देंगे कि मिनिमम 14 फीट आपको करना है। अगर मैक्सिमम जितना हो सके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम आपको करना है 14 फीट। लॉन्ग जंप करने के लिए शुरू में जो एक्सरसाइज आ जाता है, शुरू में जिसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है लॉन्ग स्टेप स्प्रिंट। आपको लॉन्ग स्टेप में स्प्रिंट भागना है, स्प्रिंट जो होना चाहिए उसको कहा जाता है लॉन्ग स्टेप। आपको लॉन्ग स्टेप में स्प्रिंट खींचना है, ये हो जाता है शुरू का एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे जिसको हम कहते हैं लॉन्ग स्टेप स्प्रिंट। आपको स्प्रिंट खींचना है, वो भी लॉन्ग स्टेप में। आपको लॉन्ग स्टेप में स्प्रिंट चाहिए। उसके बाद आपको जो आ जाता है सेकंड नंबर एक्सरसाइज पे, दो नंबर पे आता है फ्रॉग जंप। आपको ये फ्रॉग जंप हमेशा याद रखना है कि फ्रॉग जंप आपको लॉन्ग स्टेप में हो, आपको लॉन्ग स्टेप में हो। देखिए कैसे होता है फ्रॉग जंप। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस, यानी आपको लॉन्ग स्टेप में भागना है और बहुत जोर से भागना है। जितना आपका स्टेप जाता है, जितना आपका पैर खुलेगा लॉन्ग स्टेप में, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जिस टाइम आप लॉन्ग जंप करते हो, आपका ये स्टेप सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपका स्टेप करना है, आपका कमर को जग करना है, आपका कमर को जग करना है और आपको स्टेप करना है। स्टेप आपको लॉन्ग होना चाहिए, थाई पे पावर होना चाहिए, राइट। तीन नंबर पे जो आ जाता है, दूसरा नंबर आपने देख लिए, पहले नंबर पे लॉन्ग स्टेप, दूसरे नंबर पे आपको फ्रॉग जंप और तीसरे नंबर पे जो आपको आएगा उसको कहा जाता है ट्रक जंप। आपको ट्रक पे जंप करना, यानी आपको नी को अपने छाती पे लगाना है, आपको छाती पे ही आपको नी लगेगा। ट्रक जंप किसको कहा जाता है, ये तीसरा नंबर एक्सरसाइज। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10, वेरी गुड। इसको कहा जाता है ट्रक जंप। और लास्ट फोर नंबर पे जो आपको आ जाता है, ये हो गया तीसरा नंबर। फोर नंबर पे जो आपको जाना है उसको कहा जाता है बोट जंप। बोट जंप आपको करना है, बोट यानी आपका बोट का साइज होता है ऐसे, ये आपका बॉडी का साइज होना चाहिए, ये आपका बॉडी का साइज होना चाहिए, ये आपका हो जाता है बोट जंप। चलिए 5 नंबर पे आपको आ जाएगा ये ना तो कोई जंप है और ना तो कोई रनिंग है, बस अपने हिप को और अपने कमर को पीछे की तरफ खींचना है, जिसको कहा जाता है हिप बैक। हिप बैक आपको करना है, वो आपको लास्ट नंबर पे आ जाता है। चलिए हिप बैक किसको कहा जाता है, अपने बॉडी को हमेशा सीधा रखे, उसके बाद पीछे की तरफ पूरा खींचे, उसके बाद हो जाने के बाद कुछ टाइम होल्ड करें, लेग को ऊपर करें। लेग को ऊपर करने के बाद आपका लेग ऊपर जिस टाइम हो जाता है, उसके बाद सेकेंड लेग, फिर से वही एक्सरसाइज, फिर से आपको वही चीज करना है। अपने माथे को पहले सीधा रखे, उसके बाद बैक प्रेशर करें। बैक प्रेशर आपका पूरा होना चाहिए, ये जो कमर का साइड है ये आपको पूरा होना चाहिए, बैक प्रेशर पूरा होना चाहिए, बैक प्रेशर ये आपको हो जाता है मिनिमम करना है पूरा ग्राउंड के 10 राउंड तक, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 5 एक्सरसाइज आप लोगों को दिखाया गया, ये 5 एक्सरसाइज करने के बाद आपके लॉन्ग जंप में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। पहले नंबर पे जो आपको आ रहा था उसको कहा जाता है लॉन्ग स्प्रेट स्प्रिंट, आपको लॉन्ग स्टेप स्प्रिंट करना है। दूसरे नंबर पे आपको आ रहा था फ्रॉग जंप, आपको फ्रॉग की तरह जंप करना है, फ्रॉग यानी बैंक, जिसको मेंढक कहा जाता है, मेंढक जंप जिसको कहा जाता है। तीसरे नंबर पे जो आपको आ रहा था उसको कहा जाता है ट्रक जंप, चौथे नंबर पे बोट जंप और लास्ट में हिप बैक। ये 5 एक्सरसाइज करने के बाद आपके लॉन्ग जंप में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे कि कितना आपको आता है, कितना आपको मिनिमम करना है, कितना आपको एक्सरसाइज करना है, क्या ट्रिक आपको फॉलो करना है और क्या टिप्स।
हो सकता है कि पूरा वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर इसमें आपको इंप्रूवमेंट आ रहा है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको आएगा तो जरूर वीडियो में लाइक कीजिए, और इस तरीके का वीडियो फिर से मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।